स्वागत है आप सबका एशिया कप के मैच नंबर 4 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान के बीच में, जो खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे। इस मैच के अंदर आपको ऐसे 4 ऑलराउंडर्स दिखेंगे जो आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग के अंदर टॉप 10 के अंदर आते हैं। पहला नाम है शाकिब अल हसन, पहले स्थान के ऊपर है। दूसरे स्थान के ऊपर मोहम्मद नबी है। इससे बढ़िया बैटल आपको क्या देखने को मिल सकती है। फिर चौथे स्थान के ऊपर आपको राशिद खान देखते हैं, 9वें स्थान के ऊपर मैदी हसन मिराज है। तो आप कह सकते हो इट्स अ बैटल ऑफ ऑलराउंडर्स। बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स आपको दोनों टीम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो मैच को आपको यहाँ पर कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। अब देखो इस वीडियो के अंदर आपको करीबन 70 प्लस स्लाइड्स देखने को मिलती है, जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, आपको बेस्ट कंटेंट ला के देना। अब देखें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फायदा क्या है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। जैसे कि आप समझो 2:30 बजे टॉस है, 3 बजे मैच स्टार्ट होगा। इस आधे घंटे के अंदर मैं आपको पिच रिपोर्ट ला के दूंगा, पिचेस की फोटोज ला के दूंगा, प्लेइंग 11 विद द बैटिंग ऑर्डर पोस्ट करके दूंगा। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के ऊपर मैच, बड़ा ही खूबसूरत है मैदान है। आप देखिए स्वर्णी के ऊपर 2 अप्रैल को लास्ट मैच खेला गया था 2022 के अंदर, करीबन 1.5 साल पहले यहाँ पे मैच होता पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे 3 मैचेस की सीरीज भी थी और जो टीम थी पाकिस्तान 2-1 से यहाँ पे सीरीज जीतती है। तीनों मैचेस ओडीआई के इसी वेन्यू के ऊपर खेले गए थे। तो अभी आपको मैं स्कोरिंग पैटर्न समझाता हूँ यहाँ पर किस तरह से रन बनते हैं। तो आप देखो जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था उसके अंदर 210 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। फिर यहाँ पे पाकिस्तान चेस करने आती है, बाबर आजम का शतक आता है यहाँ पे और 37 ओवर के अंदर टारगेट चेस हो जाता है। 9 विकेट से यहाँ पे टीम जीत दर्ज करती है पाकिस्तान की। उससे पहले 200 के आसपास स्कोर बन रहा था, बट आप देखो फिर क्या हुआ, 348 बना यहाँ पे दूसरे ओडीआई के अंदर। और यहाँ पे जो टीम चेस करने आती है पाकिस्तान की, वो 49 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है, 1 ओवर रहते 6 विकेट से जीत दर्ज करती है। पहले यहाँ पर ओडीआई के अंदर क्या हुआ, 313 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और 314 का टारगेट दिया। पाकिस्तान चेस करने आती है, 225 पे सिमट जाती है। तो इस तरह से आपको रन बनता हुआ देखेगा। 280 यहाँ पे एक औसतन स्कोर दिखा जाता है, उसके नीचे आप बनाते हो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे सेकंड इनिंग्स के अंदर अंडर द लाइट्स बॉल स्किड करके बैट के ऊपर अच्छी गति से आती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखें इस वेन्यू के ऊपर जो पिछले 3 मैचेस खेले गए हैं उसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए 1 मैच जीता गया है, चेस करते हुए 2 मैचेस जीते गए हैं पिछले 3 मुकाबलों के। मैं ओडीआई की बात करता हूं तो बांग्लादेश अफगानिस्तान इस वेन्यू के ऊपर नहीं खेली है पिछले 8 साल के अंदर, बट अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पे टूर किया था फॉर द पाकिस्तान ए टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए। उसमें गुलबुद्दीन नईब थे, उसके अंदर रहमत शाह थे, तो कुछ 2-3 प्लेयर्स आए हुए थे यहाँ पे खेलने के लिए। उनके भी स्टैट्स मैं आपको बताऊंगा वेन्यू स्टैट्स के टाइम के ऊपर। अब देखें इस वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था लास्ट 2 अप्रैल को, उस गेम में 9 विकेट था पेसर्स का, 2 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाले थे। ओवरऑल विकेट कॉलम को समझते हैं, लास्ट 3 मुकाबलों के अंदर यहाँ पे पेसर्स ने 21 विकेट निकाला है, पहली पारी के अंदर 16। तो भाई साहब आप सोचो पहली पारी के अंदर पेसर्स कितने इंपॉर्टेंट है। दूसरी पारी के अंदर पेसर्स का मात्र 5 विकेट है, राइट आर्म पेसर्स का 15, लेफ्ट आर्म पेसर्स का यहाँ पे 6 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें 18 विकेट निकाल चुके हैं, पहली पारी में 8 है, दूसरी पारी के अंदर 10 है। लेग स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट, 12 विकेट हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 2 विकेट है, ऑफ स्पिनर्स का यहाँ पे 4 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचेस की फोटो की तरफ। तो आप देखो अभी रिसेंटली 2023 के अंदर अप्रैल के मंथ के अंदर इसी साल यहाँ पर मैचेस हुए थे न्यूजीलैंड टूर ऑफ पाकिस्तान के, मतलब न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था। तब की पिच की फोटो है, ये आप देख सकते हो, मैंने निकाल के रखी थी, मेरे को पता था फ्यूचर में काम आएगी पिच की फोटो। तो आप देखो पिच ऐसी दिखती है, फ्लैट ट्रैक, हल्की सी पिच के ऊपर आपको ग्रास की लहर दिखती है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रैक माना जाता है ये। डायमेंशन देख लें, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 65 मीटर्स की देखने को मिल सकती है, सामने 73 मीटर्स, बट ये ओडीआई है तो देखते हैं क्या पता बाउंड्री को और बड़ी कर दे 70 मीटर कर सकते हैं, तो देखने लायक होगा ये। ये स्टेडियम का व्यू बड़ा ही खूबसूरत है, ग्राउंड आप देखें पास के अंदर एक हॉकी का स्टेडियम है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड के अंदर। ये देखो आप, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम इन द लाहौर। गाने में भी बहुत बार लाहौर का जिक्र होता है, आपने सुना होगा कई अपने पंजाबी गानियों के अंदर। ये देखो स्टेडियम का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, मैदान आप देख सकते हैं क्या व्यू आ रहा है स्टेडियम का। तो यह है स्पेशल पिच रिपोर्ट फ्रॉम द गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। कैसी लगी कमेंट करके बताना मेरे को, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए, जो मैंने आपको दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं न्यूज़ की तरफ।
न्यूज़ क्या आ रही है, बांग्लादेश की बात करते हैं। लिटिन दास यहाँ पे रूल्ड आउट हो चुके हैं ड्यू टू द वायरल फीवर। अन्नामूलक बिजॉय को यहाँ पे स्क्वाड के अंदर बुलाया गया एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर। करीम जन्नत की वापसी भी अफगानिस्तान टीम के अंदर। अजमतुल्ला मिर्ज़ा इंजर्ड है। अगर आपने ध्यान से करीब से फॉलो किया होगा इनके जो लास्ट मैच रहे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान अभी जस्ट एलपीएल के बाद, तब जो अजमतुल्ला मिर्ज़ा थे उनको दिक्कत हुई थी। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 2023 से 22 के बीच में 5 मैच खेले हैं और शॉकिंगली अफगानिस्तान 4 जीती है, बांग्लादेश मात्र 1 मैच जीती है। 11 की बात करते हैं, बांग्लादेश की तरफ से आपको मोहम्मद नईम ओपन करता हुआ दिखेगा अन्नामुल हक के साथ। अन्नामुल हक बिजॉय को आना चाहिए ओपन करने, डोमेस्टिक के अंदर हमेशा रन बनाता है। नजमुल हसन शनन तो आपको वन डाउन दिखेंगे, तो याद रिदवाई है, शाकिबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, और ये बहुत गलत किया टीम ने बांग्लादेश की। मुशफिकुर रहीम को डाउन द ऑर्डर एकदम शिफ्ट कर दिया गया है नीचे। मेहदी हसन दिखेगा आपको, फिर आपको मेहदी हसन मिराज दिखेगा, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर्रहमान, शरफुल इस्लाम। चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। रहमुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जादरान ओपन करेंगे, दोनों क्लासिकल बैटर्स है और ये दो जब अच्छा खेलते हैं ये टीम हमेशा जीतती है। रहमत शाह, हजमतुल्ला शाहिदी, नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नाबी, गुलबद्दीन नईब, राशिद खान, मुजीब, नूर अहमद, फजल फारूकी आपको खेलता हुआ दिखेगा। वैसे करीम जन्नत डिजर्व करता है 11 के अंदर आना, ये प्लेयर बहुत स्पेशल है करीम जन्नत, बट टीम पता नहीं इसको क्यों नहीं खिलाती है, समझ के बाहर है। मोहम्मद नईम की बात करें, 2 मैचेस के अंदर 9 रन है, हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट अफगानिस्तान 9 रन चेस पे, 0 रन चेस के ऊपर है, इस वनडे के ऊपर नहीं खेला। फॉर्म 16-38-18-47 नाबाद 22 इस तरह से रहा है। अन्नामुल हक बिजॉय, इसके आगे बिजॉय भी आता है, कई बार आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा इसको बिजॉय बोलते हैं। 2 मैचेस में 30 रन है, एटवर्ड में बैट फर्स्ट 29 चेस के ऊपर 1 है, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला। बहुत ही साउंड बैटर है डोमेस्टिक के अंदर, इसको किंग बोलते हैं, ही इज एन डोमेस्टिक किंग। जो भी डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं बांग्लादेश के अंदर, ये हर टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर होता है। ये देखो आप, 72-43-33-31-11-1-28-15-28-153, क्लासिकल बैटर, देखते हैं क्या इस मैच में कर पाता है ये। नजमुल हसन शनन तो 5 मैचेस खेला अगेंस्ट अफगानिस्तान, 5 बार फ्लॉप हुआ है, 37 रन है, बैटिंग फर्स्ट 6-12, चेस के ऊपर 7-1-11, बैटिंग फर्स्ट इसका ओडीआई करियर के अंदर 32 की औसत है, चेस के ऊपर मात्र 19 की औसत ज्यादा घटके। रिसेंट फॉर्म, लास्ट गेम में अच्छी पारी आई थी, उससे पहले 4 किया था, 14-11-1-12-35-117-44-102 नाबाद। शाकिबुल हसन 13 मैचेस के अंदर 366 रन है, 27 विकेट है, इनको बहुत पसंद अफगानिस्तान की टीम बॉलिंग करना। 13 मैच में 27 विकेट, 13 का दोगुना होता है 26, भाई ने दोगुने से ज़्यादा विकेट निकाला है। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 9 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 9 मैच में 18 विकेट से एक बार विकेट लेस लिया है। बल्ले से बात करें, 9 मैचेस में 261 रन है, बैटिंग सेकंड 4 मैच में 106 रन है। वेन्यू के ऊपर 2 बार इसने खेला हुआ है, 75 रन है। 2008 के टाइम पे यहाँ पे बांग्लादेश की टीम लास्ट टाइम खेली थी 2008 के टाइम पे, ठीक है। तो शाकिब हसन ने 2 मैचेस खेले, 1 मैच में 75 रन और 2 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 0 रन बनाते हैं और 0 विकेट निकालते हैं, भाई ने गजब कारनामा किया था उस मैच के अंदर। त्वेद रिदॉय 3 मैच के अंदर 89 रन से एटवर्ड में, बैटिंग फर्स्ट 51, चेस के ऊपर 16-22 नाबाद, बहुत अच्छा साउंड टेक्निकल बैटर है, इंपॉर्टेंट पिक होगा आपके लिए। मुशफिकुर रहीम 13 मैचेस में 400 के ऊपर रन है, हेड टू हेड के अंदर 36 की औसत है, बैटिंग फर्स्ट 9 मैच में 337 रन, 37 की औसत है, चेस के ऊपर 3 मैचेस में 95 रन है। इस वनडे के ऊपर मुशफिकुर रहीम ने 2 मैच खेला है, 16 बैटिंग फर्स्ट 44 चेस के ऊपर है। मेहदी हसन मिराज 9 मैचेस में 6 विकेट है, बल्ले से 126 रन है, बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 3, 4 बार विकेट लेस गया है। और इस टीम के अंदर एक और मेहदी हसन आया हुआ है, ये मेहदी हसन, यह है मेहदी हसन मिराज, इस वजह से दो दो ऑफ स्पिनर्स हो गए हैं, और किसी का भी दिन अच्छा हो सकता है, और जिसका दिन अच्छा हो गया उसके ओवर्स बढ़ जाएंगे, जिसका दिन खराब हुआ उसके ओवर्स घट जाएंगे। वरना पहले क्या था कि ये दोनों में से एक बंदा खेलता था और जो खेलता था पूरे 10 ओवर डाल के जाता था, पर इस बार गारंटी नहीं कि 10 ओवर डालेंगे दोनों मिलके। मेहदी हसन हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे नहीं खेला, ओडीआई के अंदर 4 मैच में 3 विकेट्स है, रिसेंट फॉर्म इसका अच्छा था एसीसी इमर्जिंग एशिया कप के अंदर। टस्किन अहमद बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज होगा, 9 मैच के अंदर 15 विकेट निकाल चुका है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 7 मैच में 11 विकेट है, एक बार विकेट लेस गया इस टीम के अगेंस्ट, वरना हर मैच में विकेट निकालता है ये। रिसेंट फॉर्म भी भाई का बहुत अच्छा है, 1-3-2-0-1-1-3-3-1-2। शरफुल इस्लाम लास्ट टाइम जो हेड टू हेड हुआ था
जुलाई महीने के अंदर, उसके अंदर शरीफुल इस्लाम ने 4 विकेट हॉल निकाला था लास्ट हेड टू हेड के अंदर। तो इसके 4 मैचेस में 7 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मैच में 6 विकेट है, बॉलिंग सेकंड के अंदर 2 मैच में 1 विकेट आप ड्रॉप कर सकते हो बॉल सेकंड के अंदर। मुस्तफिजुर भाई क्या हो गया इस भाई को, मेरे समझ के बाहर है। मैं एक साल से कहता रहा हूँ, जब से इसको भाई साहब दिनेश कार्तिक ने धोया है ना भाई, तब से आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है। 7 मैच में 10 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 5, बॉलिंग फर्स्ट में ड्रॉप नहीं कर सकते, बॉलिंग सेकंड में आप रिस्क ले सकते हो, 5 मैच में 5 विकेट है, बॉलिंग सेकंड में दोनों बार विकेट लेस गया ही है 5 मैच खेल के। रिसेंट फॉर्म खत्म है, 0-2-1-2-0-4-0-1-0-0-0। तंजीज हसन बेंच पे जाएंगे, लेफ्टी बैटर, लास्ट मैच में डक पे आउट हुए थे ये। अगर आपने मैच को देखा हो ध्यान से, करीब से देखा हो, तो बहुत मतलब अजीब तरीके से इन्होंने खेला था पिछला गेम इनका। लेट्स सी अगेन श्रीलंका, थिक्षणा ने इनको LBW किया था, हफीफ हुसैन खेल सकता है बंदा, हसन महमूद के स्टैट्स ही हैं, तंजीज हसन है यहाँ पे जो फास्ट बॉलर है, नस्सुम अहमद शमी मुशन पटवारी डिजर्व करता है खेलना, अटैकिंग मैनर में रन बनाने के लिए जाना जाता है। स्टार्टिंग और शरीफुल टस्किन, डेथर के अंदर शरीफुल फिज एंड टस्किन आएगा, फिज मतलब मुस्तफिजुर। गुरबाज की बात करते हैं, एशिया कप की जर्सी ऐसी दिखेगी आपको अफगानिस्तान टीम की, मैंने टेम्पलेट में डाला हुआ आप क्लियरली देख सकते हो। 6 मैचेस में 292 रन है, एडवर्ड के अंदर बहुत अच्छा आंकड़े हैं इसके, 2 बहुत बड़ी पारियाँ आई हैं, 142 की और 105 नाबाद की। तो 6 मैच हेड टू हेड के अंदर खेला है, 2 बार इसने बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, 2 शतक मतलब 6 मैचेस खेल गए अगेंस्ट बांग्लादेश। बैटिंग फर्स्ट 53 की औसत, चेस के ऊपर 24 की औसत, हमेशा कहता हूं मैं गुरबाज वाइल बैटिंग फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिसेंटली अगेंस्ट पाकिस्तान इसने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 150 बनाया था, फ्लैशबैक में आपको लेके जाना चाहूंगा मैं। दूसरे ODI के अंदर इब्राहिम ज़ादरान, 4 मैच के अंदर 161 रन है, बैटिंग फर्स्ट 190 बनाया था, जी हाँ चेस के ऊपर 190 भाई साहब, 100 रन है, 190 नहीं है, मेरे से मिसटाइप हो गया, मैं सोचूं भाई 190 कब बना दिया इस भाई ने, अखबार में फोटो छपती अपने फ्रंट पेपर के ऊपर सीधा, 100 रन बनाए थे भाई ने यहाँ पे हेड टू हेड के अंदर, बैटिंग फर्स्ट 1901, चेस के ऊपर 41 नाबाद। बहुत अच्छा क्रिकेटर है, सबसे टेक्निकल साउंड बैटर इस टीम में कोई है तो इब्राहिम ज़ादरान है, इसको मैं पहले 6 साल पहले भी 5 साल पहले देख चुका था कोविड से पहले, जब ये अफगानिस्तान के शप्पे गजा जो टूर्नामेंट्स होते थे उसमें बहुत अच्छी बैटिंग करता था बंदा। रहमत शाह 12 मैचेस में 285 रन से 24 की औसत है, बैटिंग फर्स्ट 4 मैच में 46 रन से कोई खास आंकड़े नहीं है, बट चेस के ऊपर 8 मैच में 250 रन से 30 की औसत है, और इसका ODI सेट फॉर्मेट के अंदर चेस के ऊपर बहुत अच्छे आंकड़े रहते हैं। वेन्यू के ऊपर इसने 3 मैच खेला है, जी हाँ गदाफी स्टेडियम लाहौर के ऊपर, 54 रन से 1 विकेट है, बैटिंग फर्स्ट 1548 है। रिसेंट फॉर्म भाई का बहुत बड़ा कंसर्न है, 0 रन 0 रन 2 8 7 36। हाजमतुल्ला शाहिदी 12 मैच में 27 की औसत है, 294 रन है, इस टीम के कैप्टन है, इनको भी जवाब देना पड़ेगा कि किस टीम के कैप्टन है, बिकॉज इसने रन्स नहीं बनाए रिसेंटली। 4 मैच में 110 रन है, बैटिंग फर्स्ट चेस के ऊपर 8 मैच में 184 रन है। नजीबुल्ला इस वन्यू के ऊपर 4 रन किया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, हेड टू हेड के अंदर 12 मैच में 258 रन है, बैटिंग फर्स्ट 4 मैच में 108 रन, चेस के ऊपर 7 मैच में 150 रन है। वैसे इसका ODI करियर के अंदर बैटिंग फर्स्ट 35 की औसत है, चेस के ऊपर 23 की औसत हो जाती है घटके। मोहम्मद नबी वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट ऑलराउंडर आफ्टर शाकिब अल हसन, 15 मैच में 259 रन, 16 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट 9 मैच में 11, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 6 विकेट है, बल्ले से भी आपको रन करके देगा बिकॉज टेक्निकल साउंड बैटर है और इनिंग्स को एंकर करना जानता है, फिर बाद में अटैक भी करता ही है। गुलबुद्दीन नईब 5 मैच में 4 विकेट 106 रन है, और इस वेन्यू के ऊपर इसने 1 शतक बनाया था, जी हाँ 12 फरवरी आई थिंक तारीख थी, 2013 का टाइम था और इसने शतक बनाया था, मेरे को अभी भी याद है डेट इस वजह से क्योंकि उस पूरे मैच को मैं देख रहा था, करीब से पढ़ रहा था उसमें कैसे बॉलर्स थे, किस तरह से उसने बैटिंग करी थी वहाँ पे। तो अच्छा प्लेयर है गुलबुद्दीन नईब, और बॉडी दिखा रहा है अभी भी इस फोटो के अंदर, मैंने क्रॉप कर दिया भाई, ठहर जा थोड़ा सा, ऐसे कर रहा था पूरा बॉडी बिल्डर अपना गुलबुद्दीन नईब, और विकेट टेकिंग गेंदबाज है, खेलेगा तो आप टीम में रख सकते हो, चेस के ऊपर बहुत अच्छा खेलता है ये। राशिद खान अपने बाबूजी का ठुल्ला दिखा रहे हैं यहाँ पे, 11 मैचेस में 19 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 14, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 4 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट में राशिद खान मेरी टीम में डायरेक्टली वाइस कैप्टन या तो कैप्टन हो ही जाएगा, रिसेंट फॉर्म भी भाई का ठीक ठाक रहा है। मुजीब जिस फॉर्म में भी चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रन भी करके आ रहे हैं ये, अगर आपने रिसेंटली देखा हो किस तरह से बैटिंग करी थी इस बंदे ने, 9 मैच में 12 विकेटें हैं, टुडे के अंदर मस्ट पिक, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 6 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 6 विकेट है, बैटिंग करना जानता है मुजीब। नूर अहमद हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 3-2-2-1-2-0-1-0-2-2। फारूकी 6 मैच में 14 विकेटें, इस टीम के अगेंस्ट अच्छी गेंदबाजी करी है, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 9 विकेटें हैं। इकराम अली खेल 1 मैच में 11 रन चेस करते हुए, अब्दुल रहमान 1 मैच में 4 रन, एड टू के अंदर सलीम भाई का 2 विकेट
दो मैचेस में जरूर विकेट है। शरफुद्दीन अशरफ हो गए यहाँ पे, रियाज हसन हो गया हेड टू हेड के अंदर दो मैच में 36 रन से। करीम जनत एक स्पेशल क्रिकेटर हमेशा रहा है, जिस तरह की उसके पास काबिलियत है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है करीम जनत, खेलेगा तो आप रख सकते हो। फारूकी मुजीब नई गेंद डालेगा, 90-10 ओवर के आसपास गुलाबद्दीन नई बॉलिंग करने आ सकता है। डेथर के अंदर फारूकी, गुलाबद्दीन नई, राशिद खान। मैचअप्स अन्नामुलक वर्सेस मुजीब, 11 बॉल 3 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। नबी ने 34 बॉल में 36 रन देके 4 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। मोहम्मद नईम की बात है अगेंस्ट फारूकी, बहुत अच्छा मैचअप है। फारूकी ने मोहम्मद नईम को 6 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है। इसको एक्सचेंज ट्वेंटी के ऊपर सेल कर दिया ना मोहम्मद नईम को 36 बॉल में 11 रन देके। मुजीब 7 इनिंग्स में 1 बार आउट कर चुका है 38 बॉल में 15 रन देके। नजमुल हुसैन सामंत वर्सेज मुजीब, 9 इनिंग्स के अंदर 3 बार आउट किया है 51 बॉल में 29 रन देके। नबी यहाँ पर 5 इनिंग्स में 2 बार आउट कर चुका है नबी नजमुल को, फारूकी ने 1 बार आउट किया है। ट्वेद हृदय वर्सेज करीम जनत, 15 बॉल 9 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। शाकिब की बात करें, ये फर्स्ट है मुजीब के सामने, 19 इनिंग्स में 5 बार आउट हुआ है, 124 बॉल में 76 रन है। नबी ने 20 इनिंग्स में 6 बार आउट किया है। मुशफिकुर रहीम की बात है अगेंस्ट राशिद खान, 14 इनिंग्स में 7 बार आउट हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है 7 बार आउट करना 14 इनिंग्स के अंदर। 141 बॉल में 115 रन देखे। फारूकी ने 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया 18 बॉल में 17 रन देखे। आफीफ भाई वर्सेस राशिद खान, 9 इनिंग्स में 4 बार। मेहदी हसन मिराज को कोई खास मैचअप नहीं है, इवन ये बंदा राशिद को बहुत अच्छा खेलता है मेहदी हसन मिराज, जी हाँ। बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद है मेरे को, बॉलिंग से कंपेयर करते हैं तो मेहदी हसन मिराज से फ्रॉम माई साइड। गुरबाज की बात करें, और गुरबाज ने अगेंस्ट शाकिब उल हसन, हमेशा मैं कहता आया हूँ, 7 इनिंग्स में 5 बार आउट हुआ है अगेंस्ट शाकिब। गुरबाज 93 बॉल्स में 81 रन है। वहीं बात करते हैं फिस मुस्ताफिजुर ने 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। टस्किन अहमद इनको बहुत परेशान करते हैं, 70 बॉल में 48 रन देके 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। एक चीज़ होगी, अगर ये टस्किन को अच्छे से खेल जाते हैं नई गेंद से, तो फिर बाद में शाकिब थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बस एक ही थ्रेट रहेगा। इब्राहिम ज़ादरान वर्सेस शरीफुल इस्लाम, 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया 13 बॉल में 7 रन देखे। ये बैटर हमेशा देखने को मिलती है, जब भी शरीफुल डालते हैं बॉलिंग इब्राहिम को आउट करके ही जाते हैं। हसमतुल्ला शाहिदी वर्सेस मेहदी, 102 बॉल 863 रन 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। रहमत शाह वर्सेज शाकिब, 9 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है। टस्किन ने 6 इनिंग्स में 4 बार आउट किया भाई साहब इसको। नजीबुल्ला वर्सेज शाकिब, 83 बॉल 73 रन 14 इनिंग्स में 7 बार आउट किया है। नबी वर्सेज शाकिब, 20 इनिंग्स के अंदर 5 बार आउट कर रखा है। खान साहब वर्सेज शाकिब, 10 इनिंग्स में 4 बार आउट कर रखा है। गुलाबद्दीन ने वर्सेज शाकिब, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है, बहुत अच्छी बैटल है ये। टस्किन वर्सेस करीम, 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है इसको। ये लेफ्ट आर्म पेसर का स्ट्रगल आप देख सकते हो अगेंस्ट बांग्लादेश, 25 मैच में 50 विकेट दिया है। फारूकी बहुत इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए होगा। वहीं अफगानिस्तान की टीम 12 मैच में 26 विकेट दे चुकी है, तो मुस्ताफिजुर भी आपके लिए एक अच्छा अवेलेबल पिक हो सकता है बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। फिलहाल मैं शरीफुल इस्लाम को लेके जाऊंगा। लेग स्पिन वर्सेस बांग्लादेश, 18 में 23 विकेट दिया है, अफगानिस्तान ने 17 में 21 विकेट दिया है। ऑफ स्पिन की बात करें अगेंस्ट बांग्लादेश, 29 मैच में 46 विकेट दिया, अफगानिस्तान ने 22 में 36 विकेट दिया। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का आप देख सकते हो, और तो और चाइना मैन का भी आप देख सकते हैं। साइन अप कर लेना विजिलेंट के ऊपर, फ्री के अंदर आपको 500 रुपये साइन अप बोनस मिलेगा। इस मैच में आपको 50,000 रुपये का गिव अवे देखने को मिलेगा, तो साइन अप कर लेना, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं किसकी तरफ, कॉमन कैप्टन शाकिब, राशिद अलग जाना, तो इब्राहिम हो गया, त्वैद हृदय हो गया, नबी और नईम को रोटेट कर सकते हो। 1 मिलियन का मिशन, देखते हैं कब तक पूरा होता है। तो फिलहाल मैंने कैप्टन किया और शाकिब को, वाइस कैप्टन के पास राशिद खान है, करामाती मैजिशियन, फिर आप यहाँ पे मुजीब देखते हैं, ये भी मैजिशियन ही है, फारूकी टीम के अंदर होंगे, तीनों मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। टस्किन अहमद के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, शरफुल के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इब्राहिम ज़ादरान को लिया, बट वही बात है, इब्राहिम ज़ादरान को शरफुल इस्लाम ने 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, तो इब्राहिम ज़ादरान को बाहर निकाल सकते हो और किसी और प्लेयर को पिक कर सकते हो। गुलाबद्दीन एक इंपॉर्टेंट है, नबी एक अच्छा पिक रहेगा आपके लिए, और त्वैद हृदय को हमेशा करीब से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है, अंदाज भाई का खेलने का बहुत अच्छा है। गुरबाज बेटर पिक है एज कम्पेयर टू मुशफिकुर रहीम, मुशफिकुर रहीम का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, नंबर 6 नंबर 7 पे खेल रहा है, क्या मतलब हुआ फिर। वरना आप अन्नामुलक को लेके जा सकते हो कुछ टीम्स के अंदर, जनता इसकी तरफ देखेगी नहीं, अन्नामुलक की तरफ, इसका दिन रात अच्छा खेल के जा सकता है। लेट्स सी, इब्राहिम ज़ादरान आपका कॉल रहेगा, ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा साउंड बैटर है, टेक्निकल अच्छी टेक्निक से खेलता है, टुक टुक करके खेलेगा, जिस तरह से उन्होंने सेकंड ODI में खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो यह दरिदोई
हमेशा मैं कहता हूँ जो टेक्निक है उस बंदे की कमाल की टेक्निक है। रमेश शर्मा मैं सेकंड इनिंग्स में ट्राई कर सकता हूँ। शाहिदी का फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। नजमुल हसन सुनीतो को आप लेके जा सकते हो। मैं क्यों बैक नहीं कर रहा, बिकॉज सामने मुजीब होगा, सामने आपको फारूकी दिखेगा, नबी दिखेगा, इन सब ने स्काउट किया हुआ है नजमुल हसन सुनीतो को। फिर कौन बचा, चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। फारूकी ने भाई साहब इसको कितने बार आउट किया, नईम शेख को आप देखना एक बार जाके। अभी थोड़ी देर पहले बताया शाकिब 6 में 4 बार आउट किया। शाकिब इंपॉर्टेंट मैच, जिसमें मेरा आज आपका कॉल रहेगा। मैं नबी को बैट कर रहा हूँ, गुलब देने मेरा लास्ट मिनट कॉल हो सकता है, मेरा 11th प्लेयर होगा या फिर करम जिनत खेलता तो उसको ले लूंगा मैं। बॉलिंग में राशिद, मुजीब, टस्किन, फारूकी, शरफुल इस्लाम इंपॉर्टेंट है। अगर बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी करती मुस्तफिजुर को टीम में इंसर्ट कर लूंगा। तो देखते रहिए स्टैट्स, गुरु जी मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर शाम के, शाम नहीं यार, दोपहर के 2:30 बजे। सी सून, जय हिंद।